तो बाइनोमियल के एक्सपेंशन में हम लोगों ने कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिए हैं, जो पहले के वीडियोस में देखा है कि एक्सपेंशन कैसे करते हैं और जनरल टर्म कैसे निकालते हैं। कोफिशिएंट भी निकालना सीख लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि मिडिल टर्म बाइनोमियल के एक्सपेंशन में कैसे निकालते हैं। हम लोग बेसिक सा एक एक्सपेंशन लेंगे, कुछ एक्सपेंशन में दिखाए हैं। यहाँ पर एक्सपेंशन दिखाने का रीज़न क्या है वो भी हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसी से हम लोग समझेंगे कि मिडिल टर्म कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पे हमने तीन एक्सपेंशन लिए, x प्लस ए की होल स्क्वायर, x प्लस ए की पावर 3, x प्लस ए की पावर 4। यहाँ देखें, अगर x प्लस ए की पावर 2 लिया गया तो तीन पद यहाँ पे आए। अब तीन पद में मिडिल टर्म जो देखा जाए वो ये है, एक है और दैट इज़ t2। ठीक है, अगर इस वाले एक्सपेंशन देखा जाए तो यहाँ पर मिडिल टर्म 2 है। ये यहाँ देखा जाए तो ये t2 है और ये t3 है। यहाँ पर देखा जाए तो मिडिल टर्म यहाँ पर एक है, दैट इज t, देखा जाए t3। तो इसी तरीके से अगर पावर 5 वाले में देखा जाए, आगे बढ़ेंगे तो 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि अगर x प्लस ए की पावर n, ये n अगर इवन ले लिया तो हमारे इवन, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, तो केवल सिंगल मिडिल टर्म आया, तो यूनिक मिडिल टर्म मतलब सिंगल होगा, एक होगा, इकलौता एक सिंगल होगा। अगर n ऑड है, जैसे यहाँ देखा जाए तो 2 हैं, 5 वाले में 6 टर्म आएंगे, 5 वाले में 6 आएंगे तो थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर होंगे 2 टर्म विल बी मिडिल टर्म। ठीक है, प्रैक्टिकली हम लोग दिखाया कि इवन इंडेक्स होती है, इवन इंडेक्स होने पर आपको 2 टर्म मिल रहे हैं, इवन इंडेक्स होने पर 2 नहीं, कितने मिल रहे हैं, 1, और जब ऑड इंडेक्स है तो कितने मिल रहे हैं, 2। पावर 5 होगी तो कितने मिलेंगे, 2। पावर 7 होगी तो कितने मिलेंगे, 2। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि अगर इंडेक्स सपोज इवन है, जैसे कि इंडेक्स 2 है, इंडेक्स का मतलब यहाँ पे पावर 2 है, 4 है, 6 है, तो हम लोग ऑब्जर्व करना है कि अगर 2 है तो मिडिल टर्म सेकेंड वाला काउंट करेंगे, अगर 4 है तो थर्ड वाला काउंट करेंगे, अगर 6 है तो फोर्थ वाला काउंट करेंगे। तो एक हमारा पैटर्न मिला कि 2/2 + 1 सेकेंड आ जाएगा, 4/2 + 1 थर्ड आ जाएगा, और 6/2 + 1 फोर्थ आ जाएगा। तो अगर n इवन होगा तो n/2 + 1 एथ, दैट इज t n/2 + 1 क्या होगा, मिडिल टर्म। दिमाग में रख लिया, n/2 + 1th विल बी मिडिल टर्म। ओके, अब हम लोग यहाँ जाते हैं, अगर इंडेक्स 3 है तो देखिए 3 है तो सेकेंड और थर्ड आया, अगर इंडेक्स 5 है, पावर 5 है तो थर्ड और फोर्थ होगा, अगर पावर 7 है तो फोर्थ और फिफ्थ होगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, इसको ऑब्जर्वेशन में लाते हैं, 3 + 1/2 यानी 4/2, तो 4/2 तो कितना आएगा, यहाँ पे सेकेंड पे आ जाएगा, और 3 + 3/2 दैट इज 6/2 किस पे आएगा, थर्ड पे। ऐसे ही यहाँ पे 5, तो 5 + 1/2 थर्ड पे, और 5 + 3/2 8/2 फोर्थ पे। 7 में जाएं तो 7 + 1/2 8/2 दैट इज फोर्थ, और 7 + 3 10/2, तो यहाँ पे 5। तो यहाँ पे देख लिया गया n+1/2 और n+3/2 मतलब tn+1/2 और tn+3/2, ये दो टर्म क्या होंगे, मिडिल टर्म होंगे। तो इवन ऑड वाला हम लोगों को क्लियर हो गया कौन सा मिडिल टर्म बनेगा, क्यों बनेगा, ये हमने देखा, इजी तरीके से देख लिया। हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, और सपोज़ हम लोग क्या करते हैं कि ये भूल जाते हैं कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई होता है, बट हमें इतना याद है कि मिडिल टर्म के ये फार्मूले हैं, n/2 + 1th
एन प्लस वन बाई टू एथ, एन प्लस थ्री बाई टू एथ। हमें केवल इतना याद है कि ये तीन फार्मूले मिडिल टर्म में यूज़ होते हैं, बट हम ये नहीं जान पा रहे कि कौन से दो किसमें लगते हैं, कौन सा एक किसमें लगता है। तो हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करेंगे कि कैसे इनको याद रखा जाए और कैसे अप्लाई किया जाए, ये कन्फ्यूजन अगर हो जाता है तो। सपोज़ हमने लिया कि 2 प्लस एक्स की पावर 16, 2 प्लस एक्स की पावर 16, तो यहाँ पर इंडेक्स मतलब n की वैल्यू क्या है 16। अगर हम पहले वाले इस पे इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको हम सेकेंड और इसको थर्ड, इनको बारी बारी से ऐसे मान लिया। अब हम पहले वाले फार्मूले पे अप्लाई करें तो 16 बाई 2 प्लस वन एथ दैट इज 9th आ गया। दूसरे वाले पे अप्लाई करें तो 16 प्लस 1 बाई 2 एथ तो 17 बाई 2 आया। 17 बाई 2 करेंगे तो 8.5 समथिंग आ जाएगा, तो फ्रैक्शन आ गया। अगर यही चीज़ अगर इस पर अप्लाई करें हम लोग 16 प्लस 3 बाई 2 एथ तो यहाँ पर भी ऑलरेडी फ्रैक्शन आ गया। तो हमें पता है कि टर्म पहला दूसरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो अब ये वाला फार्मूला इसके लिए लगेगा नहीं, ये वाला फार्मूला इसके लिए लगेगा नहीं, तो ये दो फार्मूले लगने वाले हैं नहीं, कौन सा लगेगा ये सिंगल। ठीक है, अगर सपोज हमने ले लिया 1 प्लस एक्स की पावर 21, 1 प्लस एक्स की पावर 21, अब हमने यहाँ पे लगाया तो 21 बाई 2 प्लस 1 एथ क्या मिलेगा हमें, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब एक इंटीरियर वैल्यू नहीं मिलेगी। अब अगर हम इस पे लगाते हैं तो 21 बाई 2, 21 प्लस 1 बाई 2 तो 22 बाई 2 दैट इज 11th, एक हमें 11th टर्म मिल गया। अगर हम यही इस पे लगाते हैं 21 प्लस 3 बाई 2 एथ तो हमें क्या मिलेगा 12th टर्म। तो अब ये वाला फार्मूला ये हमें वैल्यू इंटीरियर में दे रहा है, पॉजिटिव इंटीरियर नहीं, ये वाला दे रहा है, हाँ ये वाला दे रहा है यहाँ, तो इसका मतलब ये वाला इस पे अप्लाई होगा नहीं, इस पे अप्लाई होगा होगा। तो अगर आप बाई चांस भूल भी गए कि इवन पे क्या लग रहा है ऑड पे क्या लग रहा है, आप तीन फार्मूले याद रखिए। ठीक है, इवन वाले पे ऑटोमेटिक आपको पता है कि इससे कट जाएगा, ठीक है, इंटीरियर वैल्यू ऐसे आएगी, ऑड वाले से ये लगेगा। तो ये दो फार्मूले किसके लिए, ऑड के लिए, और ये फार्मूले हो गए इवन के लिए। ये कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं, आप इन पर वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सा मिडिल टर्म इसमें आएगा, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दे दिए गए। ठीक, यहाँ पे मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड दिस निकालना है। हमने यहाँ पर दो क्वेश्चंस लिए हैं, एक में हमने इंडेक्स इवन लिए, एक में इंडेक्स ऑड लिए, दोनों पे अप्लाई करके देखेंगे कि इवन ऑड में कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इंडेक्स एन का वैल्यू है 10, तो यहाँ पे फार्मूला था एन बाई 2 प्लस 1 एथ, तो यहाँ करेंगे 10 बाई 2 प्लस 1 एथ दैट इज 5 प्लस 1 एथ दैट इज T6। T6 टर्म इसका मिडिल टर्म होगा। T6 टर्म्स कैसे लिखे जाएंगे, 10C5 एक्स स्क्वायर की पावर 10 माइनस 5 और माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 5। बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि 10C5 यहाँ पर माइनस 2 की पावर 5, यहाँ पर 20 और 10 हो जाएगा ना, 10 और माइनस 5 तो ये एक्स की पावर 5। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत, हाँ। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ये हमारा मिडिल टर्म हो गया। अब कोफिशिएंट चाहिए तो कोफिशिएंट ये है, इतना हमारा क्या है कोफिशिएंट। मिडिल टर्म कौन सा है, पद कौन सा है, 6th टर्म है ये, ठीक है, वो पद कौन सा होगा ये। ठीक, अब हमने देखा यहाँ पे क्या है, n बराबर 11 दैट इज ऑड, तो हमें पता है कि n प्लस 1 बाई 2 एथ दैट इज 11 प्लस 1 बाई 2 एथ 12 बाई 2 6th टर्म, और यहाँ पे n प्लस 3 बाई 2 एथ उससे कंसेक्यूटिवली आगे आएगा 11 प्लस 3 बाई 2 एथ दैट इज 7th टर्म। तो आप T6 निकाल लीजिए और T7 निकाल लीजिए। T6 अगर निकालना होगा 11C5 एक्स की पावर 4 की पावर इसका इसका डिफरेंस तो 6 हो जाएगा और माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 5। इसको सॉल्व कर लेना है, कोफिशिएंट निकालना तो ये आ गया, बाकी आप मैनेज कर लीजिए इसको। अब T7 कैसे निकालेंगे, 11C6
पहला x की पावर 4 है, उसकी पावर इसका इसका डिफरेंस 5, और दूसरा माइनस 1/x³ की पावर यहाँ पर 6। तो यहाँ पर हम लोग मिडिल टर्म निकालना सीख लिया। ऑड के लिए कैसे निकालते, इवन के लिए कैसे निकालते, दो ही कैटेगराइजेशन है, दो ही डिफरेंस है, इवन और ऑड। आपको ध्यान रखना है कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। जैसा कि हर टॉपिक में लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं, जो पीछे हैं यहाँ पे हमने लिख रखे हैं, आप इत्मीनान से इनको देख लीजिए। और मुझे लगता है कि बिगनर्स, एज ए बिगनर्स अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं, किसी तरीके से प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए सारे पाँचों क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनको ज़रूर लगा लीजिए। अगर नहीं लगते हैं तो आप कौन से को समझिए जो अभी बताया गया है वो, और किसी भी तरीके से आप टेक्स्ट बुक अगर फॉलो कर रहे हैं, अगर आप हमारे टच में नहीं है तो आप बारी बारी से कॉन्सेप्ट को सीखिए। जब आपके अगर ये 5 क्वेश्चंस आप लगा लेते हैं, इसका मतलब आप बाइनोमियल में मिडिल टर्म के कोफिशिएंट्स को निकालना, बाइनोमियल मिडिल टर्म को निकालना, पद को निकालना आप आसानी से सीख गए। आप एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट आ गया है। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ आगे हम लोग कोशिश करेंगे, आप जुड़े रहिए। जो भी आपको लगता है, आप आपके पास एक कमेंट सेक्शन है, कमेंट बॉक्स है, आप वहाँ पे अपनी राय रख सकते हैं। आगे हम लोग ज़रूर कंसीडर करेंगे और उस पर विचार करेंगे।